बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 और 6। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स है और इसमें हमने ओवरव्यू देने के बाद थर्ड और फोर्थ लेक्चर के अंदर यह देखा था कि एल्गोरिथम्स क्या हैं और एल्गोरिथम्स को थोड़ा सा हमने उसकी बेसिक्स को डिटेल में पढ़ा था, लेकिन वो टॉपिक अधूरा रह गया था। उसमें अभी भी बहुत कुछ बाकी है एक्चुअली एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करने से पहले। तो इसकी जो सीरीज़ है एल्गोरिथमिक टूलकिट, तो ये तकरीबन 3 लेक्चर्स बनेंगे। तो उसी सिलसिले का जो दूसरा है टॉपिक एल्गोरिथमिक टूलकिट नंबर 2, मैं स्टार्ट करूँगा वहीं से जहाँ से हमने लेक्चर नंबर 4 का इख्तिताम किया था। हम पहुँचे यहाँ पर थे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स को हम कर रहे थे डिस्कस, और हमने कहा था कि जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो एक्चुअली उससे हमारी मुराद होती क्या है, क्या एक्चुअल रनिंग टाइम। तो हमने कहा नहीं, इट इज़ नॉट द एक्चुअल रनिंग टाइम इन विच वी आर इंटरेस्टेड, बिकॉज इट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड। ठीक है ना, इसको आप एक स्टैंडर्ड के तौर पर पेश नहीं कर सकते, बिकॉज इट वेरीज़ फ्राम मशीन टू मशीन, कंपाइलर टू कंपाइलर। हर कंपाइलर जो है वो एक अलग तरीके से बना होता है, और हर मशीन, हर कंप्यूटर, हर प्रोसेसर जो है वो अलग अंदाज में काम कर रहा होता है, उसकी स्पीड अलग अलग होती है। इसी तरह अगर स्पीड एक जैसी भी हो तो बाज़ दफ़ा रिसोर्सेज इतने फ्री नहीं होते हमारे पास। ठीक है, और बल्कि एक मशीन के ऊपर भी हमने ये देखा कि जो टाइम था, एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम, वो वेरी कर रहा था बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट। हमने देखा था कि हमारा जो एल्गोरिथम था वो एक मेरी ही मशीन पे 0.1 सेकंड के अंदर रन हुआ, और फिर जब दूसरी दफ़ा रन किया तो इट टुक अबाउट 0.110 सेकंड। ठीक है, और हमारा जो दूसरा एल्गोरिथम था इट टुक 0.075 सेकंड्स इन द फर्स्ट रन, और एंड इन द सेकंड रन इट टुक 0.093 सेकंड्स। सो इट मीन इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या है, हमने कहा था कि हम एक एस्टिमेट करते हैं, एक्चुअल रनिंग टाइम नहीं, हम कहते हैं एस्टीमेट हम लगाएंगे टोटल कंप्यूटेशनल स्टेप्स का। ठीक है, और कंप्यूटेशनल स्टेप्स से मुराद हमारी क्या होगी, द नंबर ऑफ प्रिमिटिव और बेसिक या बेसिक लेवल ऑपरेशंस दैट अ प्रोग्राम में एग्जीक्यूट। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो ऑपरेशंस कौन से हैं जी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह, या हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेशन है। ठीक है, हमारे पास लॉजिकल जो है वो ऑपरेशंस हैं, कंपैरिजन हैं हमारे पास। ठीक है, वेदर सम वैल्यू इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन अदर वैल्यू, इस तरह अगर किसी एरे के एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है तो इट टेक्स सम टाइम। तो ये हमारे पास रेगुलर ऑपरेशंस हैं, हम इनको कंसिडर करते हैं। ठीक है, और बहुत से ऑपरेशंस को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें उन ऑपरेशंस को देखना है दैट आर द मोर डोमिनेंट, दैट आर परफॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, और फिर हमने ये पढ़ा था कि वी डिफाइन कम्प्लेक्सिटी एज ए न्यूमेरिकल फंक्शन एफ ऑफ एन और टी ऑफ एन और जी ऑफ एन, व्हाटएवर यू नेम इट। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो एन है, सॉरी, एन इज़ इनफैक्ट द इनपुट साइज। ठीक है, और टी मीन्स द टाइम टेकन टू कन्वर्ट दिस इनपुट इनटू आउटपुट, और इनपुट जिसका साइज एन है। ठीक है, और हमने जो दो एग्जांपल्स की थी, तो एल्गोरिथम नंबर 1 और एल्गोरिथम नंबर 2, तो उनके हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी फंक्शन कैलकुलेट किया था। एक का एन स्क्वायर माइनस एन था, दैट इज़ इनफैक्ट क्वाड्रेटिक टाइम, और दूसरा था 2n-2, और चूंकि एन की पावर मैक्सिमम 1 है तो इट इज़ लीनियर टाइम। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो पिछला मैंने आपको थोड़ा सा एक रीकैप था पिछले लेक्चर का। अब ये जो रिजल्टिंग फंक्शन होता है, इट गिव्स ओनली एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, क्योंकि एक्चुअली तो जो हो रहा होता है हमें नहीं पता, और हम बहुत सी चीज़ें ओमिट भी कर रहे होते हैं। तो जो एक्चुअल अगर ना भी हो रहा हो तो जो एक्चुअल फंक्शन, यानी एक्चुअल रनिंग टाइम, अगर हम उसको छोड़ भी दिया है तो हमने कहा कि टोटल स्टेप्स देख लेते हैं, उस स्टेप्स में भी हम बहुत से स्टेप्स को छोड़ रहे होते हैं, सिर्फ जो मोस्ट डोमिनेंट और बेसिक स्टेप्स हैं सिर्फ उनको कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि द रिजल्टिंग फंक्शन गिव्स ओनली एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, हाउएवर दिस अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंटली क्लोज टू द ओरिजिनल। तो माइनर जो है एरर उसको हम जो है निगलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसीलिए इसको हम एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। हम वी अज्यूम के ये रिप्रेजेंटेटिव है ओरिजिनल कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है। अच्छा, इसमें ये आप देखें, ये जो एक्सप्रेशन है एन स्क्वायर माइनस एन और यहाँ पे टू एन माइनस टू, इसमें हम पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को कंसिडर नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये यहाँ पे यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि एलिमिनेशन ऑफ लोअर ऑर्डर टर्म्स, हम जो सबसे बिगेस्ट ऑर्डर टर्म है उसी को कंसिडर करते हैं। तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस हंड्रेड एन प्लस लॉग टेन एन प्लस थाउजेंड, फॉर एग्जांपल, ये किसी भी एल्गोरिथम का टाइम कम्प्लेक्सिटी फंक्शन हमने जो है उसको कैलकुलेट किया है, जैसे हमने पहले बताया उसी प्रोसीजर से। तो हम इसको सिंपली एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये क्यों, ये बाकी तीन टर्म्स जो एन स्क्वायर से कम ऑर्डर की हैं उनको हम निगलेक्ट क्यों कर सकते हैं, तो उसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे, ठीक है। तो एनी टर्म्स दैट डू नॉट सब्सटेंशियली चेंज द फंक्शंस मैग्नीट्यूड शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फंक्शन, ठीक है। क्योंकि हमने पहले कहा कि हम अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारी अप्रोक्सीमेशन है इट इज़ क्लोज टू द ओरिजिनल, इट इज़ नॉट एक्चुअली द ओरिजिनल, ठीक है। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एन, इस फंक्शन को अगर आप देखें, इस फंक्शन में हम एन के मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो जब हम इस फंक्शन के अंदर n इजिकल टू वन, n इजिकल टू टू, हंड्रेड, थाउजेंड, जो भी है मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे, तो हम देखेंगे फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ n द लास्ट टर्म थाउजेंड इज द लार्जेस्ट। हाउ, आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट वी कैलकुलेट द टाइम कम्प्लेक्सिटी टू सी द बिहेवियर ऑन लार्ज इनपुट सेट्स। एक चीज़ याद रखिए, टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम स्टडी इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट बहुत ज़्यादा हो तो रनिंग टाइम पे फ़र्क कितना पड़ेगा। हम एक 10 नंबर्स की एरे को सर्च कर रहे हैं और हम कह रहे हैं जी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डजेंट मैटर। ये तो आपके पुराने 486 पेंटियम वन थे भी, जो पहले के सिस्टम थे, उन पे भी बहुत एफिशिएंटली रन हो जाएगा। तो हमने जब ये टाइम या स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम एक बहुत बड़े इनपुट को कंसिडर कर रहे होते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जो है उनको सॉल्व कर रहे होते हैं, नहीं तो एक्चुअली हमें उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी से कोई गरज नहीं है, ठीक है भाई। एक प्रोग्राम यानी आपके पास एक 1000 एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स हैं, 500 एलिमेंट्स हैं, ये बड़े छोटे साइज का इनपुट है, तो कंप्यूटर विल हार्डली टेक हाफ अ सेकेंड, मे बी अ मिली सेकेंड, ठीक है, उसको सॉर्ट करने के लिए। तो ये अगर वो एक सेकेंड में भी कर लेता है तो मतलब इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस इन रियल लाइफ। हम जब बात कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि अगर n की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो उस सूरत में आपका एल्गोरिथम कैसे बिहेव करेगा। तो असल इम्तिहान बंदे के ऊपर तब होता है जब उसके ऊपर मुश्किल हालात आते हैं, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ लेके चलें, देखें ये फंक्शन है हमारे पास। तो सपोज़ n इज इक्वल टू वन, इफ़ n इज इक्वल टू वन तो n स्क्वायर वन हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, log 10 ऑफ वन ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसकी ज़ीरो है और 1000 तो एज इट इज़ 1000 ही रहेगा। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1101। तो टोटल कंप्यूटेशनल स्टेप्स बनेंगे इनपुट साइज़ 1 के। अगर इनपुट साइज़ हमारे पास ओनली 1 वैल्यू है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल 1101 कंप्यूटेशनल स्टेप्स होंगे। ये जिस एल्गोरिथम का फंक्शन है वो एल्गोरिथम गिवन नहीं है। सपोज़ कोई भी एल्गोरिथम था तो उस एल्गोरिथम के अंदर जब आपको कोई वैल्यू इनपुट दी गई तो वो कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उसको हमने एज अ फंक्शन यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने ये देखा कि अगर एक वैल्यू इनपुट हो तो टोटल 1101 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब ये अब इसको देखिए कि यहाँ पे चार टर्म्स हैं हमारे पास। एक है टर्म n स्क्वायर, दूसरी है 100n, तीसरी है log ऑफ n टू द बेस 10 और चौथी है 1000। तो हम इन चारों टर्म्स का बिहेवियर देखते हैं कि टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हमारे पास आई है इन चारों का पोर्शन उनमें से क्या है। तो n स्क्वायर मीन्स 1 रेज़ टू द पावर 2, 1 स्क्वायर दैट इज़ 1, और 100 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट विल बिकम 100, log ऑफ 1 टू द बेस 10 दैट विल बिकम 0, एंड 1000 ये तो कांस्टेंट है तो एज इट इज़ इसको हम 1000 ही लिखेंगे। तो अब ये जो टोटल आंसर था हमारे पास 1101, तो आप इन चारों की परसेंटेज देखें
तो 1 इज इन फैक्ट 0.1% ऑफ दिस टोटल एंड 100 इज 9.1% ऑफ दिस टोटल, 0 इज 0% ऑफ दिस टोटल और 1000 इज 90.83% ऑफ दिस टोटल। तो स्मॉल इनपुट साइज के लिए देखिए सबसे जो ज़्यादा डोमिनेंट टर्म है वो ये वाली है, लेकिन हम इनपुट साइज बढ़ाते हैं, लेट n इज इक्वल टू 10। अब आप देखें n स्क्वेयर 4.76%, 147.6%, log of n to the base 10 0.05% and 1047.60%। स्टिल हमारे पास अब देखें हमारे पास दो टर्म्स डोमिनेंट हो गई हैं, एक 1000 और दूसरा 100n, ठीक है। अब इनपुट साइज मजीद हम बढ़ाते हैं, दैट इज 100, ठीक है। अब देखिएगा वैल्यू ऑफ n स्क्वेयर दैट इज 47.6%, 147.6%, log of n to the base 10 0.001% एंड दिस 1000 नाउ बिकम्स ओनली 4.76%। अब देखें जो दो डोमिनेंट टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, n स्क्वेयर और 100n। अब ये 1000 वाली डोमिनेंट नहीं रही और ये तो अभी तक रही नहीं है, कहीं भी नहीं रही। अब हम इनपुट साइज मज़ीद बढ़ाते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1000। अब देखिए हमारे पास जो एक्चुअल परसेंटेज आ रही है वो है n स्क्वेयर के लिए 90.8%, लुक हाउ डोमिनेंट इट इज़, ठीक है। सेकंड 9.1%, 0.0003%, 0.09%। तो अब आप देखें एक ही डोमिनेंट टर्म है, दैट इज़ n स्क्वेयर, ठीक है। ये जो हमने आपको बात की थी कि जो हायर ऑर्डर टर्म है उसके अलावा बाकी जो लोअर ऑर्डर टर्म्स जितनी भी होंगी उन सबको हम एलिमिनेट कर देंगे, और उसकी वजह हमने ये बताई थी कि बड़े इनपुट के लिए उन टर्म्स का जो है उनको एलिमिनेट करने से एक्चुअल रिजल्ट के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो अभी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इनपुट साइज़ मज़ीद बढ़ा देते हैं, लेट इनपुट साइज इज़ 10,000। अब देखें परसेंट 99.0, 0.99, 0.0, ये इनफैक्ट 0.0000 समथिंग, तो दैट इज इनफैक्ट 0.0 और 0.001। सो लुक एट दिस 99%। देखें अब बाकी तो बिल्कुल शुमार में ही नहीं आ रहे, और अगर इनपुट हमारा हो जाए 100,000, तो देखें 99.9% और बाकी तो किसी खाते में ही नहीं है। अगर इसको हम मज़ीद बढ़ा दें तो आप देखेंगे इट इज़ ऑलमोस्ट 100%, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल फंक्शन की वैल्यू है ये लार्ज इनपुट साइज़ के लिए सिर्फ जो मोस्ट जो हायर ऑर्डर टर्म है वो द मोस्ट डोमिनेंट टर्म हो जाती है एंड दैट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन। तो इसी वजह से चूँकि हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं हमने पहले बात की है, तो बाकी तीनों टर्म्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने जो बात की कि हम उनको एलिमिनेट करते हैं, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम उन चीज़ों को एलिमिनेट क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चों को यही होती है प्रॉब्लम कि जी बाकी टर्म्स की भी तो अहमियत है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो इनकी भी है। अगर देखें ये तकरीबन 1 करोड़ के करीब कोई वैल्यू है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस ये वैसे देखने में एक बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन इसके मुकाबले में इसकी अहमियत नहीं है, ठीक है ना। बात कहने का मकसद ये है, तो दैट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन स्क्वेयर, तो हम इसको एन स्क्वेयर ही कहेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की तरफ। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी किसी फंक्शन को डिराइव करेंगे किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी का या स्पेस कम्प्लेक्सिटी का, तो हम पूरे पूरे फंक्शन नहीं लिखते, हम उसकी हायर ऑर्डर टर्म लिखते हैं, और हायर ऑर्डर टर्म को भी हम इन द फॉर्म ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस लिखते हैं। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं क्या? दीज आर इनफैक्ट मैथमेटिकल टूल टू रिप्रेजेंट कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स फॉर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, ठीक है। अभी हमारे पास टोटल 5 हैं, एक है जी बिग ओ, ठीक है, बिग ओ नोटेशन। द सेकंड वन इज़ बिग ओमेगा, द थर्ड वन इज़ थीटा, बास बुक्स में इसको बिग थीटा लिखा होता है,
बट यू कैन सिंपली से थीटा। उसकी वजह यह है कि बिग ओ के मुकाबले में एक स्मॉल ओ मौजूद है, बिग ओमेगा के मुकाबले में एक स्मॉल ओमेगा मौजूद है, इन दोनों के काउंटर पार्ट्स मौजूद हैं, तो देर इज इनफैक्ट नो स्मॉल थीटा। तो इस वजह से इसको हम डिनोट तो कैपिटल लेटर से करते हैं, तो इसको बिग थीटा लिख सकते हैं या सिंपली थीटा भी आप जो है ना इसको कह सकते हैं, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। अब ये पांच चीज़ें हैं क्या, ये नाम तो हमने पढ़ लिया जी, बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा, ये है क्या भला, तो इनको पढ़ते हैं। देखिए बड़ा इजी टॉपिक है, थोड़ा सा फोकस करें। देखो बिग ओ नोटेशन डिफाइंस एन अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम। बिग ओ असल में हमें ये बताता है कि देखो ये एल्गोरिथम है, ये कभी किसी इनपुट के ऊपर बड़ा जल्दी काम करेगा, किसी इनपुट के ऊपर बहुत देर से काम करेगा, तो हमें एक अपर बाउंड बताओ कि अगर इतने साइज़ का इनपुट हो, सपोज एन इनपुट है, इन जनरल हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम कितना ले सकता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है अपर बाउंड, हम इसको बिग ओ की फॉर्म में करते हैं। इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, कि भाई वो मैक्सिमम लिमिट क्या है कि जिसके ऊपर कभी भी फंक्शन की ग्रोथ उस बाउंड्री से ऊपर नहीं जा सकती, इट बाउंड्स अ फंक्शन ओनली फ्रॉम अबव, ठीक है। अच्छा यहाँ जो थर्ड पॉइंट है, ये शायद अभी आपको समझ में ना आए तो इस पे ज़्यादा परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये आगे चलकर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है, कि इट इज़ द लोएस्ट अपर बाउंड। अच्छा देखें इसमें आपको समझा देता हूँ, आपके पास काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम कहेंगे जी आपका जो सेट है इसकी अपर बाउंड बताएं, हमारे पास एक सेट है 1 2 6, 1 2 3 4 5 6, आपसे कहा जा रहा है इसकी अपर बाउंड बताएं कि उस बाउंड से ऊपर नहीं जा सकता ये, तो आप कहते हैं जी इसकी जो है अपर बाउंड है वो है 6, ठीक है जी, ये एक अपर बाउंड है कि 6 से ऊपर नहीं जा सकता, तो क्या ये बताएं 7 से ऊपर जा सकता है, नहीं 7 के ऊपर नहीं जा सकता, उसका मतलब 7 भी एक इसका एक अपर नंबर है। 8 के ऊपर जा सकता है, नहीं जी 8 के ऊपर भी नहीं जा सकता। तो अगर मैं ये कहूं कि इस सेट की हर वैल्यू 8 से छोटी है तो ये गलत तो नहीं होगा ना, अगर मैं कहूँ इस सेट की हर वैल्यू 10 से छोटी है ये भी गलत नहीं होगा, तो ये सारी अपर बाउंड हैं, यानी कि इससे छोटी रहेंगी इस सेट की सारी वैल्यूज़, लेकिन इन सब वैल्यूज़ में से जो सबसे करीब तरीन है, जो सबसे लोएस्ट है वो 6 है, जो बिल्कुल इसकी बाउंड्री से मिली हुई है, तो दैट इज़ इन फैक्ट अपर बाउंड्स हमारे पास बहुत सारी हैं, ठीक है। हमारा जो सेट है 1 2 6, इसकी जो लिमिट है हम ये कह सकते हैं कि इसका हर एलिमेंट 6 या 6 से छोटा है, या हम ये कह सकते हैं इसका हर एलिमेंट 7 से छोटा है, या ये कह सकते हैं इसका हर एलिमेंट 8 से छोटा है, 9 से छोटा है, 10 से छोटा है, ये सारी चीज़ें ट्रू हैं, लेकिन इन सब अपर बाउंड्स में से जो सबसे लोएस्ट बाउंड है, जो सबसे करीब तरीन है, हमने उसको कंसिडर करना है, ठीक है। ये आगे चल के मज़ीद आपको बात इसकी समझ में आ जाएगी कि देयर मे बी मैनी अपर बाउंड्स टू अ फंक्शन दैट वी विल कंसिडर द लोएस्ट वन ऑफ दोज अपर बाउंड्स, ठीक है। तो लोएस्ट इन टर्म्स आपस में है, वो ये सारी अपर बाउंड्स में जो सबसे लोएस्ट है, इससे तो वो हाईएस्ट ही है, ठीक है। और ये हम यूजुअली यूज़ कब करते हैं, जब हम वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहे होते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो इस एल्गोरिथम को किसी भी टाइप के इनपुट पे रन होने के लिए लगेगा वो जी ये लगेगा बिग ऑफ दिस, वो दिस क्या है वो आगे मैं आपको बताता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता, ये वर्स्ट केस होगा, इससे ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम की नहीं हो सकती, ये अपर बाउंड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास इनपुट साइज होता है और हमारे पास कुछ टाइम होता है, जिस तरह हमने देखें यहाँ पे किया कि हमारे पास ये इनपुट साइज़ है और इस फंक्शन के ज़रिए हमने कैलकुलेट किया है कि व्हाट इज़ इन्फेक्टेड टाइम, तो फॉर वन इट इज़ 1101, फॉर 10 इट इज़ 2101, फॉर 100 इट इज़ 21002, तो ये एन हम एक्स एक्सिस पे करते हैं प्लॉट और ये एफ एन यानी ये जो टाइम होता है टाइम फंक्शन की वैल्यूज़ ये हम वाई एक्सिस पे करते हैं प्लॉट, ये जब हमने इसको प्लॉट किया तो ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एन, तो लेट एफ ऑफ एन इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम फॉर सम इनपुट एन ऑफ अ स्पेसिफिक एल्गोरिथम, तो इसकी अपर बाउंड भी एक ऐसा फंक्शन होगा, देन देयर इज़ अ फंक्शन जी ऑफ एन सच दैट इफ दैट फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट देन दिस इज द लोएस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस फंक्शन,
ठीक है. इन अदर वर्ड्स आफ्टर सम वैल्यू एंड नॉट. अच्छा ये देखें, हम अपर बाउंड डिफाइन कर रहे हैं ना, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इनिशियली कुछ वैल्यूज़ के लिए अपर बाउंड जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होती, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. ठीक है, हमारे पास एक ख़ास वैल्यू इनपुट की एक ख़ास वैल्यू के बाद कभी भी फंक्शन इस सी इंटू जी ऑफ एन से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये अपर बाउंड बनती है एक स्पेसिफिक वैल्यू एन नॉट की. बाज़ दफ़ा हर इनपुट के लिए ऐसा होता है और बाज़ दफ़ा हर इनपुट के लिए ऐसा नहीं होता है. एग्जाम्पल में इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा, इसकी एग्जाम्पल्स आ रही हैं सामने, कि अगर आपके पास एक्चुअल ग्रोथ का कोई फंक्शन है जो आपने कैलकुलेट किया था एफ ओ एन या टी ओ एन से और आपने उसको प्लॉट किया है, तो अगर आप एक और फंक्शन को प्लॉट कर सकें कि एक ख़ास इनपुट के बाद उस नए फंक्शन की हर वैल्यू आपके ओरिजिनल फंक्शन से अबव है और ऐसी अबव है कि इट इज़ द लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसको आप बिग ओ की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो एफ ऑफ एन विल बी लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन फॉर ऑल इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंड नॉट. ठीक है, और ये जो सी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट मस्ट बी 0.5, दैट मस्ट बी 1, दैट मस्ट बी 2, क्योंकि अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो वो फंक्शन ही ख़त्म हो जाएगा ना. ठीक है ना, और इनपुट साइज़ जो हमारे पास n होता है वो दैट मस्ट बी एटलीस्ट 1. ज़ाहिर बात है अगर इनपुट ही नहीं होगा तो आप उसको चेक कैसे करेंगे कि उसकी जो है ना टाइम कैसे उसका होता है, कैलकुलेट होता है, तो इनपुट साइज़ कम अज़ कम 1 होता है. ठीक है, एग्जाम्पल आप इसकी देख ले तो ये आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपको एक फंक्शन दिया गया कि जी एक एल्गोरिथम का हमने जो है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी फंक्शन का कैलकुलेट किया एंड दैट इज 3n+2, एफ ओ एन इज 3n+2. अब आपको कहा गया है कि लेट देर इज अनदर फंक्शन जी ओ एन, तो कैन वी सेड दैट दिस एफ ओ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ओ एन, मीन्स कि क्या एफ ओ एन की अपर बाउंड जी ओ एन बन सकता है. ठीक है, बिल्कुल यही वाली बात कि क्या जी ओ एन ये जो फंक्शन है अगर इसके साथ हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें तो क्या कोई ऐसा कांस्टेंट है कि अगर हम इस फंक्शन के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू हमारे एक्चुअल फंक्शन की वैल्यू की अपर बाउंड बन जाए. दूसरे अल्फाज में कैन वी से दैट एफ ओ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ओ एन, हम कहते हैं हम इसको देख लेते हैं. देखिए हमारी कंडीशन ये है कि एफ ओ एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए सी इंटू जी ओ एन, और जी ओ एन हमें दिया हुआ है एन और एफ ओ एन हमें दिया हुआ है 3n+2, तो दूसरे अल्फाज में 3n+2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सी इंटू एन. अब वो सी की कौन सी वैल्यू है कि जिसके लिए 3n+2 लेस देन इक्वल टू होता है सी ऑफ एन से, तो हमने कहा कि 4 अगर हम इसको रखते हैं 3, तो देखें 3 ऑफ n+2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ऑफ n, तो इसलिए हम सी 3 तो नहीं रख सकते. तो अगर हम सी को 4 कंसिडर करते हैं कि दिस द वैल्यू ऑफ दिस सी इज 4, ठीक है ना, कम अज़ कम 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, वो आपकी मर्ज़ी है. तो नाउ सी कैन बी एनी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 3n+2 इज लेस देन इक्वल टू 4n फॉर सम वैल्यू ऑफ एन नॉट. अब वो एन नॉट क्या है उसको हम इस ग्राफ को देख के कैलकुलेट करेंगे. हमने कहा कि जी हमने एक अपर बाउंड बनाई है 4n, तो हम देखते हैं कि बाकी क्या ये अपर बाउंड बन सकती है कि नहीं. हमने इसको प्लॉट कर लिया, ठीक है, हमने जब इनको प्लॉट किया है तो देखें 3n+2 ये ओरिजिनल फंक्शन है एफ ओ एन, और जिसको हमने अपर बाउंड बनाना चाहे वो है 4 ऑफ n. तो हमने कहा था कि ये जो अपर बाउंड है, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग चल रही है सर, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये जो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन है एफ ऑफ एन, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए जी ऑफ एन से, ठीक है. लेकिन ये हो सकता है शुरू की एक दो वैल्यूज इसको वायलेट करें. ये देखिए ये जो एक्चुअल फंक्शन है ये जी ऑफ एन से ग्रेटर हो रहा है फॉर एन इज इक्वल टू 1, लेकिन एन इज इक्वल टू 2 के लिए ये इसके इक्वल हो रहा है, और उसके बाद कभी भी जी ऑफ एन की वैल्यू
एफ ओ फैन से कम नहीं हुई है, तो उसका मतलब इट इज़ द अपर बाउंड, ये इसकी अपर बाउंड है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाला फंक्शन फोर एन इट कैन बी अपर बाउंड इफ एन नॉट इज कंसिडर्ड एज टू, यानी इफ एन नॉट इज कंसिडर्ड एज टू, ठीक है, देन दिस फोर ऑफ एन कैन बी कंसिडर्ड एज द अपर बाउंड ऑफ थ्री एन प्लस टू इन कंडीशंस के साथ। तो हमें इनफैक्ट सी और एन नॉट को स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि यस एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी ऑफ एन, या दूसरे अल्फाज में बिग ऑफ एन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, बिग ओमेगा नोटेशन। देखो बिग ओ हमारे क्या देता है, अपर बाउंड, और अपर बाउंड में से भी जो सबसे करीब तरीन होती है लोएस्ट अपर बाउंड। बिग ओमेगा क्या देता है हमें, लोअर बाउंड देता है, और लोअर बाउंड्स भी बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। उनमें से जो सबसे ऊपर वाली बाउंड होती है उसको ये हमें रिप्रेजेंट करता है। द बिग ओमेगा नोटेशन डिफाइंड्स अ लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम, इट बाउंड्स अ फंक्शन ओनली फ्रॉम बिलो, इट इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड इट डिस्क्राइब्स द बेस्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस का मतलब ये है कि यह फंक्शन की लोअर बाउंड है, फंक्शन की वैल्यू कभी भी इससे कम नहीं हो सकती, मतलब इससे कम टाइम नहीं लगेगा इस एल्गोरिथम को सॉल्व करने में। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर ये एल्गोरिथम देगा ना, तो इतने टाइम में एग्जीक्यूट होगा, इससे कम में ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ये बेस्ट टाइम होगा इसका, ये मतलब है दूसरे अल्फाज में इसका, ठीक है। तो लेट एफ ऑफ एन इज द फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन, ठीक है। देन देर इज अ फंक्शन जी ऑफ एन सच दैट इफ यू मल्टीप्लाई दैट जी ऑफ एन विद अ कॉन्स्टेंट, देन इट कैन बिकम द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस फंक्शन आफ्टर सम वैल्यू ऑफ इनपुट, और इसको हम एन नॉट से डिनोट करते हैं। तो हम उसी फंक्शन को देखें, हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी इंटू जी ऑफ एन, बिकॉज सी इंटू जी ऑफ एन इज लोअर बाउंड, सो एफ ऑफ एन हमेशा इस अपनी लोअर बाउंड से ऊपर रहेगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एन नॉट, शुरू में एक दो वैल्यूज हो सकती हैं जो इस फंक्शन को वायलेट कर रहे हों इस बाउंड्री को, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा बहुत बड़े साइज़ के इनपुट को जो है ना कंसिडर कर रहे होते हैं, स्मॉल साइज़ के इनपुट पर हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये जो वैल्यू ऑफ सी, इट मस्ट नॉट बी ज़ीरो, इट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, और इनपुट कम से कम एक एलिमेंट तो होता ही है, ज़ाहरी बात है, तो इनपुट ज़ीरो नहीं हो सकता है, माइनस में भी नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जांपल ये है कि ये जो वैल्यू है थ्री एन प्लस टू, ये फंक्शन वही है जो पिछले एग्जांपल का, ठीक है, और जी ऑफ एन भी वही है। अब देखें, पहले हमारा क्वेश्चन ये था कि ये फंक्शन है, ये एक बाउंड्री है, ये एक दूसरा फंक्शन है, क्या हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज़ बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, यानी एफ ऑफ एन की अपर बाउंड ये फंक्शन बन सकता है। अब हम और हमने देख लिया बन सकता है, लेकिन उसके लिए जाहिर बात है सी की कोई वैल्यू होगी और एन नॉट की कोई वैल्यू होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि कैन वी से दैट एफ ऑफ एन इज़ बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, यानी ये जी ऑफ एन क्या इस एफ ऑफ एन की लोअर बाउंड भी बन सकता है कि नहीं। तो जाहिर बात है अगर ये बन सकता हुआ तो इसमें एन नॉट और सी की वैल्यू पहले वाले से कुछ चेंज होगी, तो हम देख लेते हैं इसको। हमें ये देखना है कि एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है सी इंटू जी ऑफ एन से, सॉरी। तो देखें एफ ऑफ एन है हमारे पास थ्री एन प्लस टू और जी ऑफ एन हमारे पास एन, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसके लिए थ्री एन प्लस टू की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर हो इस सी ऑफ एन से। तो देखें अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो देखें 4n तो जारी बात है 3n से ग्रेटर है, लेकिन अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ या 1 पुट करता हूँ, ठीक है, इन तीन नंबर्स में से कुछ पुट करता हूँ, तो फिर हमारे पास वाकई ऐसा है कि 3n विल बी लेस देन 3n प्लस 2, क्योंकि ये इसमें ये 2 के जो है यानी ये जारी बात है वैल्यू बड़ी है। और अगर इसको मैं रखता हूँ 2n तो वो भी बहुत ऑब्वियस है, अगर मैं इसको रखता हूँ 1n तब भी बहुत ऑब्वियस है। तो अगर c की वैल्यू 1 कंसिडर कर लें, 2 कंसिडर कर लें या 3 कंसिडर कर लें, तो इनमें से कोई भी आंसर आपका दुरुस्त हो जाएगा। तो c कैन बी एनी नंबर स्मॉलर देन और इक्वल टू 3, तो
तो यू कैन कंसिडर एनी वन, वन टू थ्री ऑल आर करेक्ट. तो हमारे पास आ गया कि 3n प्लस 2 विल बी लेस देन इक्वल टू 3n. हमने इसको जो है ना प्लॉट कर लिया. तो देखिए पिछली दफ़ा तो पिछले फंक्शन में तो ऐसा हो रहा था कि एक वैल्यू के लिए ये रूल वायलेट हो रहा था. तो हमने n नॉट को फाइंड किया था कि ऐसी वैल्यू जहाँ से ये रूल वायलेट ना हो. लेकिन यहाँ पे ये रूल बिल्कुल वायलेट नहीं हो रहा. n की जो लोएस्ट वैल्यू है 1, वहीं से ये जो हमारे पास 3n है यानी c इंटू g ऑफ n, ये लोअर बाउंड बन रही है हमारे उस फंक्शन के लिए. हमारे उस फंक्शन की वैल्यू कभी भी इससे नीचे नहीं हो सकती, इससे ऊपर ही रहेगी या इसके बराबर ही रहेगी. ठीक है ना. तो इसका मतलब n नॉट इज इक्वल टू 1, क्योंकि शुरू ही से ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को. तो हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई, n नॉट की वैल्यू भी आ गई. तो हेंस वी कैन से दैट f ऑफ n इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ g ऑफ n और बिग ओमेगा ऑफ n. तीसरी चीज़ है बिग थीटा या सिंपली थीटा नोटेशन. देखिए बिग ओ किस लिए था? वर्स्ट केस के लिए. बिग ओमेगा किस लिए था? बेस्ट केस के लिए. बिग थी क्योंकि एक अपर बाउंड देता है, एक लोअर बाउंड देता है. बिग थीटा में ख़ास बात यह है कि अगर अपर और लोअर बाउंड एक ही फंक्शन के ज़रिए आप डिफाइन कर सकें. बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि अपर बाउंड और यानी एक ही फंक्शन अपर बाउंड भी बन सकता है और लोअर बाउंड भी बन सकता है, तो आप उसको बिग थीटा से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. तो बिग थीटा डिनोट्स बोथ अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ द एल्गोरिथम. ठीक है. इट बाउंड्स अ फंक्शन बोथ फ्रॉम अबव एंड बिलो. इसीलिए इसको टाइट बाउंड भी कहा जाता है. इट इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव द सेम फंक्शन एज लोअर एज वेल एज अपर बाउंड. जैसा कि हमने देखा इस पिछली मिसालों के अंदर कि जी इफ फंक्शन इज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3n प्लस 2 और जी एन जो है वो n है, तो जी एन जो है ये अपर बाउंड बन सकता है एफ ऑफ एन की फॉर सी इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8 एंड n नॉट इज इक्वल टू 2. और यही फंक्शन हमारे पास लोअर बाउंड भी बन सकता है इफ c इज इक्वल टू 1, 2 और 3 एंड n नॉट इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो एक ही फंक्शन जब हमारे पास अपर बाउंड भी बन सकता है और लोअर बाउंड भी बन सकता है, तो जारी बात है जो कांस्टेंट है हमारे पास C1, C2 इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसको हम बिग थीटा से डिनोट करते हैं. तो देखें जो हमारे पास एफ ऑफ एन है वो उसकी एक लोअर बाउंड होगी. ठीक है. तो फंक्शन वही जी ऑफ एन होगा, उसके साथ कांस्टेंट चेंज होगा, और वही फंक्शन किसी और कांस्टेंट के साथ उसकी अपर बाउंड बन रहा होगा. तो एक ही फंक्शन जब मुख्तलिफ कांस्टेंट्स के साथ किसी फंक्शन की अपर और लोअर बाउंड बन सके, तो हम उसको बिग थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो हमने पिछली दोनों एग्जांपल्स में देखा कि जी ऑफ एन इज इक्वल टू एन कैन बी लोअर बाउंड इफ सी वन इज इक्वल टू 3 एंड इट कैन बिकम अपर बाउंड इफ सी टू इज इक्वल टू 4. ठीक है. अब देखें सी वन वाले केस में तो हमेशा से ये सेटिस्फाई कर रहा है, सी टू के केस में एन इज इक्वल टू 2 से सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम एन नॉट को 2 ही कंसिडर करेंगे. ठीक है. ये तो लेट एफ ऑफ एन इज द फंक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम फॉर सम इनपुट एन, जिसको हमने यहाँ पे ये शो किया एफ ऑफ एन से, एंड देर इज अ फंक्शन जी ऑफ एन सच दैट सी वन इंटू जी ऑफ एन इज द लोएस्ट अपर बाउंड एंड सी टू इंटू जी ऑफ एन इज द, ये थोड़ी मुझसे गलती हो गई, ये मुझे लिखना था सी वन इंटू जी ऑफ एन इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड सी टू इंटू जी ऑफ एन इज द लोएस्ट अपर बाउंड. ठीक है. यहाँ पे ये लफ्ज़ जो हैं आगे पीछे हो गए हैं स्लाइड्स के अंदर, तो इसको मैं दुरुस्त कर दूंगा, लेकिन ये लेक्चर्स के अंदर कंफ्यूज ना हो जाइएगा. ठीक है. क्योंकि सी वन हमारे पास लोअर बाउंड और लोअर बाउंड में से भी जो सबसे अपर है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ठीक है. सी वन इंटू जी ऑफ एन और सी टू इंटू जी ऑफ एन ये हमारे पास अपर बाउंड है, लेकिन जितनी अपर बाउंड हैं उनमें ये सबसे छोटी है जो इस फंक्शन के ज़्यादा करीब है, तो इसको लोएस्ट अपर बाउंड कहते हैं. तो सी टू इंटू जी ऑफ एन इट इज़ द लोएस्ट अपर बाउंड. या इसको चेंज करने के बजाय अगर हम इसको सी टू कर दें और इसको C1 कर दें,
तो हमारी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आफ्टर सम वैल्यू एन नॉट द वैल्यू ऑफ सी वन इंटू जी ऑफ एन विल ऑलवेज बी लेस देन आर इक्वल टू दिस फंक्शन एफ ऑफ एन एंड द वैल्यू ऑफ सी वन यहाँ सी टू आएगा सी टू इंटू जी ऑफ एन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एन, ठीक है। ये छोटी मोटी गलतियाँ हैं, इनको देख लीजिएगा, स्लाइड्स के अंदर इनको मैं दुरुस्त करके अपलोड कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप इसका ख्याल कीजिए। यहाँ पे सी टू इंटू जी ऑफ एन है, यहाँ पे सी वन है, यहाँ पे सी टू है, और यहाँ दोनों जगह पे एफ ऑफ एन है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दो स्मॉल और स्मॉल ओमेगा नोटेशन। अच्छा, ये हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए। हमने आपको भी पहले बताया था कि जी अपर बाउंड तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, तो उनमें से किसी को भी आप स्मॉल ओ लिख सकते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे छोटी होगी उसको आप बिग ओ लिखेंगे, बस इतना सा फर्क है इनमें। द स्मॉल ओ नोटेशन ऑल्सो डिफाइंड एन अपर बाउंड ऑफ द एल्गोरिथम, इट बाउंड द फंक्शन ओनली फ्रॉम अबव, इट इज जस्ट द अपर बाउंड, बिग ओ इज द लीस्ट अपर बाउंड, वेल इट इज जस्ट एनी अपर बाउंड। एक फंक्शन की कई अपर बाउंड्स हैं, 5, 6, 7, 8, 10 जितनी भी हैं, उन सबको आप स्मॉल ओ ऑफ एन से या सॉरी स्मॉल ओ से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन उन सब अपर बाउंड में से जो सबसे लोएस्ट अपर बाउंड होती है उसको आप बिग ओ कहते हैं, ठीक है। इसी तरह स्मॉल ओमेगा का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन जो आपके एफ ऑफ एन के लिए लोएस्ट बाउंड बन सकता है दैट इज स्मॉल ओमेगा, ठीक है, लेकिन उन सब में जो हाईएस्ट लोअर बाउंड होगी उसको हम बिग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। स्मॉल ओमेगा इज इट ऑल्सो डिफाइंड द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम, इट बाउंड्स द फंक्शन ओनली फ्रॉम बिलो, इट इज जस्ट द लोअर बाउंड, बिग ओमेगा इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वेल इट इज जस्ट एनी लोअर बाउंड। ये इस यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। देखें, ओरिजिनल फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एन, तो जो इसकी अपर बाउंड्स बन सकती हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, उन सबको आप ओ स्मॉल ओ ऑफ एन लिख सकते हैं, लेकिन उन सब में जो इसके करीब होगी उसको बिग ओ ऑफ एन लिखेंगे आप। इसी तरह इसकी लोअर बाउंड्स कई हो सकती हैं, देखिए ये भी इसकी लोअर बाउंड है, ये भी लोअर बाउंड है, क्योंकि जाहिर बात है इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी इनसे ज़्यादा नहीं, इनसे कम नहीं हो सकती, तो इन दोनों को आप सॉरी स्मॉल ओमेगा ऑफ एन से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें जो इन लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ी लोअर बाउंड होगी, जो एक्चुअल फंक्शन के करीब होगी, उसको आप बिग ओमेगा ऑफ एन या सॉरी यहाँ पे जी ऑफ एन लिखना था, तो बहरहाल आप इतना समझे उसको आप बिग ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, हमने अभी तक देखा कि हमारा फंक्शन कई तरीके से ग्रो कर सकता है, लेकिन हमारा फंक्शन और कई मेथड से भी ग्रो कर सकता है। यहाँ पे आपने देखा कि हमारा फंक्शन जो है वो लीनियरी यानी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ग्रो कर रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमारे पास फंक्शंस की ग्रोथ की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। यूजली ग्रोथ ऑफ फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग, जो सबसे कम दर्जे की कम्प्लेक्सिटी शुमार होती है, यानी ऐसा आपका एल्गोरिथम जिसको रन करने में बहुत कम टाइम लगता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट टाइम, ठीक है। कॉन्स्टेंट टाइम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आता है, जैसे यहाँ पे ब्लैक शो है, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ टू, या जो भी ऑर्डर ऑफ सी, सी मीन्स एनी कॉन्स्टेंट, हम उसको डिनोट करते हैं। उससे जो ज़्यादा टाइम होता है दैट इज़ लॉगरिथमिक टाइम। लॉगरिथमिक टाइम हमारे पास जो होता है, देखें यहाँ पे ये ब्लू से डिनोट किया गया, ये जो हमारे पास होता है ये भी बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम होते हैं, कि आप देखें इनपुट साइज़ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इनका टाइम वाइज ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, यानी बहुत कम टाइम में रन हो रहा है, तो ये बड़े एफिशिएंट एल्गोरिथम शुमार होते हैं। तीसरा है लीनियर टाइम। लीनियर टाइम मीन्स ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन मीन्स कि आपके पास जो वेरिएबल है एन उसकी मैक्सिमम पावर होती है वन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। ये जो तीनों फंक्शंस होते हैं ये आपके पास बहुत
यानी अगर किसी एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी इन तीन कैटेगरीज में फॉल कर रही है तो वो बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिथम्स हैं। और मज़े की बात यह कि ऐसे एल्गोरिथम बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम होते हैं ऐसे एल्गोरिथम्स। एक होता है मिडिल कम्प्लेक्सिटी, दैट इज एन लॉगरिथमिक टाइम, मीन्स एन लॉग एन, ठीक है, ये मीडियम कम्प्लेक्सिटी का होता है। इसके बाद आ जाती है बारी पॉलिनोमियल टाइम की, एन पावर टू, एन पावर थ्री, एन पावर फोर, एन पावर फाइव, जिस तरह क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, इक्वेशंस हो गई इस तरह, पावर ऑफ थ्री, पावर ऑफ फोर, पावर एन पावर फाइव, एन पावर सिक्स, तो ये पॉलिनोमियल टाइम एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। उसके बाद होता है एक्सपोनेंशियल टाइम। एक्सपोनेंशियल टाइम की कम्प्लेक्सिटी बहुत हाई मानी जाती है, और इस तरह फैक्टोरियल टाइम की भी, दैट इज देखो एन पावर टू है पॉलिनोमियल टाइम, एन पावर थ्री है पॉलिनोमियल टाइम, एन पावर फोर पॉलिनोमियल टाइम है, लेकिन टू पावर एन दैट इज एक्सपोनेंशियल टाइम, ठीक है। और ये यहाँ पे देखें बहुत स्मॉल इनपुट के लिए भी कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है। इस तरह फैक्टोरियल टाइम है, आपको पता है कि अगर आप फैक्टोरियल की वैल्यूज़ को देखें तो बिल्कुल एक बहुत स्टीपली इनका जो है ना ग्राफ बनता है, इनकी वैल्यूज़ बहुत जल्दी जंप करती हैं, बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए भी एन के टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो आइडियली हम जब एल्गोरिथम्स को क्रिएट करते हैं, उनको हम डिज़ाइन करते हैं, फिर उनका एनालिसिस करते हैं, तो हम यही देखना चाह रहे होते हैं कि हमारे एल्गोरिथम हम वो कंसिडर करें जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल से ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम से मुराद ये है कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, क्योंकि जितनी टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी उतना उसको रन होने में वक्त ज़्यादा लगेगा और रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो वो इनएफिशिएंट एल्गोरिथम होगा। और जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो उन कैटेगरीज में फॉल कर रही है जो कि बड़े फास्ट एल्गोरिथम शुमार होते हैं, तो उनको हम बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि जी वर्स्ट केस और जो है ना बेस्ट केस और ये सारी चीज़ें, हमें बेस्ट केस से ज़्यादा सरोकार नहीं होता। उसकी वजह ये है कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं, भाई ये मत बताइए कि आपका एल्गोरिथम किसी इनपुट के लिए जल्दी से जल्दी कितना काम कर सकता है या कितनी जल्दी किसी इनपुट के लिए वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। भाई आइडियल कंडीशन नहीं होती हमेशा वर्किंग एनवायरनमेंट में। आप वर्स्ट केस सिनेरियो को डिस्कस करो कि अगर इनपुट इतना गंभीर किस्म का हो कि बड़े ख़तरनाक किस्म का इनपुट हो, तो ये बताओ कि आपका एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा टाइम कितना लगाएगा, मैक्सिमम टाइम कितना लगाएगा। तो हमें तो मार्केट के अंदर वर्स्ट केस के लिए तैयार होना चाहिए, बेस्ट केस को कौन देखता है, ठीक है। तो इस वजह से हम बिग ओ को ही ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और कभी कभी बिग थीटा को। आप देखेंगे हम पूरे कोर्स में शायद कभी बिग ओमेगा को इस्तेमाल ना करें, स्मॉल ओ को इसी तरह स्मॉल ओमेगा को इस्तेमाल ना करें, मोस्टली वी विल यूज़ बिग ओ नोटेशन, ठीक है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कंसर्न्ड विद द वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स। भाई अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने एक एल्गोरिथम बनाया है और एक दूसरा सॉफ्टवेयर हाउस है, उन्होंने भी कहा जी हमने भी एक एल्गोरिथम बनाया, तो आप कहते हैं जी आप दोनों के एल्गोरिथम का हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किसके हमने ये प्रोजेक्ट किसको देना है। आप ये बताओ कि जी अब आप कहना शुरू हो जाते हैं कि जी कि अगर हमारे पास तो ऐसा एल्गोरिथम है कि अगर आप इसको ये इनपुट देंगे तो ये आपको जी 0.005 सेकंड्स के अंदर जो है आंसर देगा। उन्होंने कहा भाई इसको छोड़ो, ये बताओ कि अगर इनपुट हम बड़ा ख़तरनाक सा देते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में तो हमारी मर्ज़ी के इनपुट नहीं होते, तो ये बताओ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा देर कितनी लगाएगा। अब आप कह रहे हैं जी ये मिसाल के तौर पे 10 सेकंड्स के अंदर क्यूरी का आंसर करेगा, और दूसरा ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये मेरा एल्गोरिथम इंशाअल्लाह 2 सेकंड्स के अंदर जो मेरा प्रोग्राम है वो इसका आंसर करेगा, या उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बड़ी कम है, तो वो कहेगा भाई जाहिर बात है हम अपने कस्टमर को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा सकते, यूज़र ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता, ठीक है, हमें क्यूरी का आंसर जल्दी चाहिए होता है,
तो आपका एल्गोरिथम इनएफिशिएंट है क्योंकि वो बहुत टाइम लगा रहा है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, उसकी कॉस्ट बहुत हाई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो दूसरे साहिब ने एल्गोरिथम जो है वो प्रपोज किया है तो उनको हम दे रहे हैं प्रोजेक्ट, क्योंकि उनका बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम है, वो विद इन अ सेकंड, विद इन 1 to 2 सेकंड क्यूरी को आंसर कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका मकसद होता है। इसलिए हम बिग ओ को हम जब भी दो प्रोग्राम्स की कम्प्लेक्सिटी को जो है ना आपस में कंपेयर करेंगे तो हम उन दोनों का वर्स्ट केस एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि इनपुट केसेस और एनालिसिस केसेस में फ़र्क है थोड़ा सा। हमारे पास तीन तरह के इनपुट केसेस होते हैं, एक होता बेस्ट केस, एक होता वर्स्ट केस और एक होता रैंडम केस, कुछ भी हो सकते हैं। और जब हम एनालिसिस करते हैं किसी भी इनपुट का तो वो तीन तरह से कर सकते हैं कि जी अगर बेस्ट केस इनपुट दिया गया है तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है, और अगर वर्स्ट केस दिया गया तो उसका एनालिसिस कैसे होगा, और अगर हर पॉसिबल वैल्यू को कंसिडर कर लें इंक्लूडिंग द वर्स्ट एंड द बेस्ट और इसके अलावा भी जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ इसको इनपुट के तौर पे दी जा सकती हैं और सबकी कम्प्लेक्सिटी का हम एक एवरेज निकाल लें तो ये हमारे पास एक एवरेज केस एनालिसिस होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लीनियर सीक्वेंशियल सर्च। लीनियर सीक्वेंशियल सर्च का मतलब ये है कि एक एरे है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और आपको एक वैल्यू दी गई है कि भाई आपने सर्च करनी है, तो आप पहले इंडेक्स से होते हुए दूसरे तीसरे चौथे सबको बारी बारी कंपेयर करते हैं जब तक आपको आपकी वैल्यू नहीं मिल जाती, ठीक है। तो अगर उस एरे के अंदर एन एलिमेंट्स हैं और जिस वैल्यू को हमने सर्च करना है उसको हमने नाम दिया की, की इज़ द वैल्यू टू बी सर्च्ड, तो उसका एक एल्गोरिथम इस तरह का बन सकता है कि इनिशियली फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n इफ़ द वैल्यू एट दिस लोकेशन इज इक्वल टू की देन फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, और अगर वैल्यू नहीं मिलेगी और सारी की सारी एरे स्कैन हो जाएगी इसका मतलब वैल्यू थी ही नहीं तो फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स पहले का रहेगा तो वही इसका आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा इसका एल्गोरिथम है। अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 अप टू n एलिमेंट्स हैं, तो इसका बेस्ट केस इनपुट क्या हो सकता है कि आपने जिस वैल्यू को सर्च करना है वो बिल्कुल शुरू के अंदर हो, यानी इफ की इज इक्वल टू दिस नंबर 1 तो देखें उसने सिर्फ एक कंपैरिजन करना है और बात खत्म, ठीक है, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहां पे हम सिर्फ एक ऑपरेशन, तो बेस्ट केस के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो हम इसको बिग ओमेगा 1 से डिनोट कर सकते हैं। वर्स्ट केस क्या है कि आपने जो वैल्यू सर्च करनी थी वो असल में एरे में सबसे आखिर में थी या वो एरे में थी ही नहीं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना, कि इफ की इज इक्वल टू दिस लास्ट वैल्यू आर की इज नॉट इनफैक्ट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, तो की नॉट फाउंड, तो उसके लिए आपको कितने कंपैरिजन करने पड़े जी, 1, 2, 3, 4 एन कंपैरिजन करने पड़े, ठीक है, तो आपको एन ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े, तो दैट इज द वर्स्ट केस एनालिसिस जिसको हम ऑर्डर ऑफ एन कहते हैं। आर्बिट्ररी या रैंडम केस में ये है कि कोई भी नंबर था जो इनमें है, जो इनमें मौजूद है उसको अगर आपने सर्च किया है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एवरेजली कितना टाइम लगता है। तो हमने कहा जी अगर वो वैल्यू पहली हो तो टाइम लगता है 1, अगर वो वैल्यू दूसरी हो तो टाइम लगता है 2, अगर वो वैल्यू तीसरी हो की तो टाइम लगता है 3 कंपेरिजन्स, अगर वैल्यू चौथी हो तो लगते हैं 4 कंपेरिजन्स, अगर वैल्यू n हो, nth वैल्यू हो, nth टर्म हो, लास्ट टर्म हो तो टाइम लगता है n कंपैरिजंस। तो ये सारे केसेस हैं, ठीक है, इन सब की एवरेज अगर हम निकालें, ठीक है, तो क्या आती है, इन सब को प्लस करें 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, दैट बिकम्स n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये है टोटल सम
ऑफ ऑल द कम्प्लेक्स ऑल पॉसिबल कम्प्लेक्सिटीज़, लेकिन हमने कहा कि एवरेज हम निकालते हैं सारी कम्प्लेक्सिटीज़ का। तो सारी कम्प्लेक्सिटीज़, सारे इनपुट केसेस जितने पॉसिबल थे उनकी टोटल कम्प्लेक्सिटी, यानी कि हर इनपुट केस की कम्प्लेक्सिटी का सम इतना आ गया, इसको हमने डिवाइड करना है टोटल कितने केसेस है। तो टोटल केसेस हमारे पास n केसेस, ठीक है, तो हम इसको n से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, n n से कैंसिल हो जाएगा, n प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो n प्लस वन डिवाइड बाई टू इट इज़ इनफैक्ट अ लीनियर फंक्शन, क्योंकि n की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको भी हम ऑर्डर ऑफ n से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले बात करके आए हैं कि लोअर ऑर्डर टर्म्स को हम और कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ मज़ीद एल्गोरिथम्स के बारे में। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला अब हम एक्चुअली बहुत से एल्गोरिथम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करेंगे, उनका फंक्शन, और उनको बिग ओ की फॉर्म में लिखेंगे। आज आपने ये सीखा है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी का फंक्शन क्या होता है, उसमें से किस टर्म को हम एलिमिनेट कर सकते हैं और क्यों एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, और किन किन बेसिक ऑपरेशंस को हमने शुमार करना है, और फिर हम उसको एसिम्प्टोटिकली किन किन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन अब हम अगले लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखेंगे कि हमारे पास बहुत से एल्गोरिथम्स आएंगे, ठीक है, और हम उनको उनका टाइम कम्प्लेक्सिटी फंक्शन कैलकुलेट करके और फिर उसको बिग ओ की फॉर्म में या बिग थीटा की फॉर्म में या बिग ओमेगा की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो किस क्लास का ऑपरेशन था, सॉरी किस कैटेगरी में फॉल कर रहा था, ठीक है। तो अब ये है कि इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि वो अगले लेक्चर के अंदर जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डिस्कस होंगी वो पिछले लेक्चर एल्गोरिथमिक टूलबॉक्स 1 और आज के जो दो लेक्चर्स हैं एल्गोरिथमिक टूलबॉक्स 2, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे इसको समझना, तो इसको साथ साथ लेके चलिए, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, इसमें ऐसा नहीं होता कि आखिरी दिन में जल के हम जो है सारा कुछ एक ही दिन में कवर कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ मुश्किल हो उस पोर्शन को दोबारा देख लीजिए, फिर समझना आए आप ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट जो है ना कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर कर दूंगा या उसको अगले लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर दूंगा ताकि सबको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। ख्याल रखिएगा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।